और एन ए ले कॉपी दो मेरे को। हाँ सर, ये बहुत जरूरी है सर, होना उनको बहुत काम हो रहा है। एक ही कर लो जरा सर, इमरजेंसी। ये बच्चे सोचो जरा साइड दो जरा। इस वक्त के हमारे एमएलए जनाब राजू साहब सेठ का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे एमएलए साहब के कुछ मुदारिशात को सुनना है और कुछ बातें उनसे सुनना है जो हमारे मुताल्लिक वो कहेंगे। ये साहब ठीक है, सबसे पहले मेरे दोनों बेटे अमान सेठ साहब मेरे पर्सन हैं, वो एक दो महीने पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ के जो हालात है, जो हालात में वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ में मुश्ताक भाई हैं, सलीम भाई हैं। जब से उन्होंने यहाँ पे देखा तो यहाँ के एरिया के बहुत फिक्रमंद करते हैं और बहुत फिक्र करते हैं। तो इसके आगे मैं जिम्मेदारी उनको दूंगा कि वो अहमदनगर को कम से कम 8-10 दिन में एक बार आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आज के कुछ तकलीफात हैं देखेंगे, आपके बातें सुनेंगे, हमारे नौजवानों की कुछ तकलीफ है वो सुनेंगे, जमात वालों जो बोलते हैं उनकी बात सुनेंगे, साथ में मुश्ताक भाई भी रहेंगे, सलीम भाई भी रहेंगे और यहाँ भी जो भी परेशानी है आपकी हम सब मिलके दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा।
मैं एक दो तीन बातें पूछता हूँ मैं आपसे। आपके सबके पास हक पत्र है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आपको ऊपर बांधने के लिए, छत बनाने के लिए कुछ चीज़ें मुमकिन हो और कुछ आपके स्लम डेवलपमेंट से आपको पैसे आए। उसके लिए परसों स्लम डेवलपमेंट वाले वो लोगों को भी लेके आया था, कॉरपोरेशन के लोगों को भी लेके आया था। आपका काम क्या रहेगा? सिर्फ हक पत्र की एक कॉपी बना के आपके पास रखो, एक कॉपी बना के रखो, एक फाइल बना के सभी में आप रखो। उसके तो जो भी गवर्नमेंट से सैंक्शन कराना है इंशाल्लाह करा के यहाँ का एरिया का हर चीज़ बदलने की कोशिश करेंगे। तो आपकी दुआएं और ऊपर वालों का साथ रहेगा तो हर चीज़ मुमकिन है। आज गवर्नमेंट को ऑर्डर भी हुआ है आपको 2,000 रुपये मिलेंगे हर घर को, 200 यूनिट लाइट फ्री होगी, चालू होगा। अकाउंट है सबके बैंक में? सबके है ना, सब लेडीज के है ना अकाउंट नंबर? सबके अकाउंट नंबर आपकी पासबुक काट के आप तैयार रखो तो अगले महीने से इंशाल्लाह हर घर के यहाँ जो बड़े लीडर औरत रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनको दो के अकाउंट में 2,000 रुपये आएगा। आपकी दो जो 200 यूनिट लाइट की बिल फ्री हो जाएगी आपको। कल से बस के कल से है ना, बस फ्री हो जाएगी। आप यहाँ से बस मिले तो आपको टिकट नहीं रहेंगे। ये सब सुविधा सरकार करके दे रही है। साथ में हर इंसान को 10 किलो चावल मिलेंगे। राशन कार्ड है सबके? हाँ। तो आप सब अपने पेपर तैयार रखना। एप्लीकेशन लेके आएंगे, एप्लीकेशन आपको भर के एक दिन अमर बाबा आके, मुश्ताक भाई आके, सलीम भाई और जमात वाले यहाँ बैठेंगे, आके एक रोज बैठ के आपके सब पूरे पेपर्स लेके जाके चेक करके अभी हम साइन करेंगे, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब साइन करेंगे, फिर भेजेंगे उसको। हम आपके लिए हैं और आपके लिए काम करने के लिए आए, हम पैसे बनाने के लिए नहीं आए, आपके काम के लिए हैं। हर वक्त ये तो आते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी यहाँ पे आता रहूँगा, कायम यहाँ चक्कर मारते रहूँगा। और किसी को ज़्यादा तकलीफ है, मेरे ऑफिस बहुत पास में है, आप जमात वाले या कोई हमारे यंग कमेटी के बच्चे आ जाए उधर, जो भी तकलीफ है आके मेरे को बता दीजिए तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। चलता है यहाँ पानी का? नहीं पानी है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ये सिर्फ ये समल एरिया, ये नीचे तक बिल्डिंग के तक हमारे ट्रिप हो रहा है हमेशा। ऑलरेडी मैंने KBI एजुकेटेड इंजीनियर को भी बताया, तो नहीं बोलता नहीं आना प्रॉब्लम चाहिए को। तो अभी कम से परसों अभी थे कदे चार दिन पीछे फुल नाइट करंट नहीं था, ठीक है। तो नहीं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे दोबारा, आप जब भी दोबारा यहाँ पे आने का रहेंगे नहीं तो आप वो KBI एजुकेटेड इंजीनियर को साथ में लेकर आओ। अभी और एक 8 दिन के बाद में, हाँ, यहाँ पे कॉर्पोरेशन वालों को लेके, हेस्कॉम वालों को लेके, LNT पानी वालों को लेके मैं आता हूँ। एक इंशाल्लाह परसों रोज हम आए थे यहाँ पे, तो आपके जो मीटर बोर्ड स्विच बोर्ड है खंभे पे नीचे हैं, वो भी बता के गया कॉर्पोरेशन वालों को, तो बच्चे के हाथ लगते हैं ऊपर लगाओ करके, वो परसों रोज देख के गया मैं क्या वक्त पहले आके, वो कोशिश करके वो काम करने की कोशिश करेंगे। ये शायद पिछले एक महीने मेरा चौथा बार है अहमदनगर में, और हर बार जब मैं आता हूँ मुझे उससे ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से, तो इसका मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़, तो पहली बात, जब यहाँ पे आया था मुझे बोला गया था कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, और मैंने यहाँ रफीक भाई है, जावेद भाई और जमात की काफ़ी लोग थे मेरे साथ, मैंने उनसे एक वादा किया था कि इलेक्शन में जीते हैं या इलेक्शन में हारे वो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पे 2 बोर लग के रहेंगे इंशाल्लाह। और नहीं, और एक मिनट, और मैंने भेजा भी था गाड़ी,
बोर की गाड़ी भी भेजी थी मैंने बोर लगाने के लिए, लेकिन फिलहाल में मुझे बोला गया था कि पानी की दिक्कत नहीं है और पानी आ रहा है। और जहाँ पे हम गाड़ी भेजे थे वहाँ पे बड़ी गाड़ी आ नहीं रही थी, वो प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैंने ये भी बोला है कि आप कोई दूसरा स्पॉट देख लो, और जब भी पानी की कोई दूसरी दिक्कत आएगी या प्रॉब्लम आएगी, आप मेरा नंबर है इनके पास, आज जब भी बोल दो, और बोरवेल की एक गाड़ी यहाँ ज़रूर आएगी और एक बोर तब का तब लगा देगी। वो जिम्मेदारी मेरी है और इंशाल्लाह वो पूरी भी होगी। दूसरी चीज़, जैसे सेठ साहब ने कहा था कि ये पांचों स्कीम इंशाल्लाह अगले महीने से स्टार्ट हो रही हैं, कभी कभार ऐसे भी होता है कि क्योंकि ये इतनी बड़ी स्कीम है, पाँच स्कीम है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग के साथ, तो कभी अगले महीने से और एक 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप फिक्र मत कीजिए, स्कीम ये जो 2000 का है, जो 10 किलो चावल का है, जो लाइट्स का है, वो हर घर को मिलेगा, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शायद थोड़ा आगे पीछे हो जाए 10 दिन यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन मिलेगा सबको। तो वो आप आपके जहन में रखिए, कोई अफवाह फैलाएगा कि आपको इतना भरना है या आपको ये देना है, आपको कोई भी पैसा किसी को नहीं देना है। कोई भी आया आपके पास या आपको कहे कि हम सेठ साहब के ये है या वो है या उनके पीए है या उनके साथ काम करते हैं और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा फिर आपको स्कीम मिलेगी, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, हम कभी भी किसी के पास पैसा ना मांगेंगे और ना मांगने बोलेंगे किसी और को। तो आप वो किसी को पैसा मत देना। कोई ऐसा अगर हमारा नाम लेके आएगा तो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस को आइए जो पीछे है, या मुझे कॉल करिए वो इंसान को सामने रख कर, और मैं तब तक पूरा क्लियर कर दूंगा। ऐसी चंद बातें थे मेरे पास, आगे से भी जो दिक्कत है इंशाल्लाह पापा ने बोला है कि कॉरपोरेशन के लोगों को लेकर, हेस्कॉम के लोगों को लेकर, जो केवी के मेन इलेक्ट्रिसिटी के हैं और वाटर बोर्ड के जो लोग हैं उनको लेकर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे, और तभी इंशाल्लाह जमात वालों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ सामने मुख्तलिफ होके वो भी बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी और पोल्स का प्रॉब्लम है वो भी एक बात तो बोल चुके हैं, लेकिन फिर से उनको ले आके वो भी कर देंगे। और कोई और दिक्कत भी है तो तब तक आप देख लीजिए और इंशाल्लाह आने के बाद आप बोल दीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे ही साथ में मिल के रहेंगे और हमारी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर होगी और आपकी दुआ हमारे साथ ज़रूर होनी चाहिए। शुक्रिया। एक अहम बात बाबा ने कही, इस स्कीम के लिए अगर कोई पैसा मांगा, एक पैसा नहीं देना, और इसको देना बोलते हैं और 2 लाख अभी देना, सिलाद भी पड़ा हमें क्या, खाली दीवार चढ़ाए और छोड़ दिए सर। पांच घर बंद के कल मेरे पास लेके आओ, सब इतना परेशान बोर्ड वाले को बुलाता हूँ, इसको आप लेके आओ मेरे पास, मैं बुलाया करके बोलो। जरा देखो अभी हमें रोड में आए, हमारे पुराने को जगह नहीं, और ये घर नए साले को क्या करना, अभी घर के भी नए नए स्कीम आएंगे इंशाल्लाह, आपके पास आता हूँ, आपका फॉर्म भर लेता हूँ, आप पैसे दे देना किसी को भी, आपके घर मुद्दे हैं उसके अंदर। सबसे पहला मुद्दा ये है, सबसे पहले मसाले हैं कि हमारे घर जो है इस वक्त में हमारी मिल्कियत में नहीं है। सबसे पहले गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जगह सेंक्शन हुए हैं, जो ज़मीन हमारी है वो हो सके बेहतर ये है कि हमारे हक में कर दें, सब रजिस्टर करके। इसी तरीके से दूसरा जो है, आपने जो वादे किए अलहमदिल्ला डेवलपमेंट के अतबार से कि हम सिलाब आपके बारिश के अंदर छी रहे हैं तो हम उसको डेवलप करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आप उस पर भी इंशाल्लाह हमारा ख्याल रखेंगे। इसी तरह तो तीसरा जो मुद्दा है, हमारे जो डेरीज का मसला है वो घर के हमारे सामने से भेलिज में से जाता है, तो वो थोड़ा अगर सड़क पर लेकर आए तो हमारे लिए बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि वो डेरीज की वजह से हमारे घर के अंदर इस वक्त में बदबू भी आती है और बारिश के अंदर तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से अगर हमारे गुजारिशात पर इंशाल्लाह आप ज़रा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हमारे कौम का और यहाँ के इलाके का बड़ा डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा। के अंदर जो है
3 करंट के खंभे हैं, 5-6 करंट के खंभे हैं जो घर के सहन के अंदर ढेलीज में आए हुए हैं। गुजारिश है कि अगर थोड़ा उसका भार कर दे, क्योंकि इससे पहले 2-3 बच्चों को बारिश के अंदर करंट भी लगा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो एक गुजारिश ये है कि उसको भी थोड़ा साइड में कर दे बेहतर है। मेरे को 5 खंभे में दिखा के गया हूँ जो पाल जाके एक गली में है, उनको बोला है कि वो बाहर कटर के बाद लेके आ जाओ।